तो दोस्तों अभी अचानक रात को वीडियो बना रहा हूँ, रात को वीडियो बनाने का मोटिव ये है, अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं, तो हमारे हॉस्टल में जो खाना बनाते हैं मेस में, उनका एक भैया का बर्थडे है। हम लोग को सडनली आफ्टरनून के टाइम पता चला है, तो ऐसे हम लोग सोचे कि उनका बर्थडे मनाते हैं। हमको नहीं लगता इससे पहले ऐसा कोई किया होगा, मैं भी किया होगा, बट वो खाना देते हैं, हम लोग को सर्व करते हैं, तो उनके लिए बनाना चाहिए यार, हम लोग को ऐसा लगा। तो अभी वही केक ऑर्डर किया था, तो चल रहा हूँ केक अभी भैया से रिसीव करता हूँ और केक लेके आपसे मिलता हूँ, अच्छे से बताता हूँ क्या सीन है। मतलब हाँ। हम लोग के हॉस्टल में ऐसा कोई रूल नहीं है जो हाँ। उनका सर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि हम लोग ऐसा भैया का, मतलब हम लोग उनको बहुत मानते हैं, वो भी हम लोग को बहुत मानते हैं, तो सोच रहा है कि बर्थडे उनका मना दे, पता लेकिन मेस में वो सर्व करते हैं तो काफी वहाँ पे हार्ड वर्किंग है। केक सुबह से शाम तक देखो केक ले चुके हम लोग, काफी अच्छे जगह से हमने केक और अभी उनको सरप्राइज देंगे, उनका रिएक्शन भी उनको पता ही नहीं, उनका पता ही नहीं है। और हम लोग लेट हो चुके हैं, हमें भी नहीं पता है, मेस में 9 बजे तक खाना चलता है मैक्सिमम, अभी 9:30 के आसपास हो रहा है, चलते हैं उनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं। ये हमारा न्यू ईयर है, हाँ देखो केक ले चुके, उनके उनको सरप्राइज देते हैं, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली जो हॉस्टल में, अभी हम लोग का हॉलीडेज है, हॉस्टल में हॉलीडेज है तो हम लोग बहुत कम बच्चे हैं, अभी हम लोग 3 है और पीछे दीपांशु और 2 भैया है, भैया नहीं है, एक जूनियर एक भैया, एक जूनियर सा एक भैया, तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, भैया का रूम जो आने वाला है। हम गाइस तो हम लोग हॉस्टल की ओर बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं काफी अंधेरा है, बिल्कुल 10:30 बज चुका है, किसी को भी ये उम्मीद नहीं, उम्मीद होगा मनीष क्या बोलता है, हम लोग उनके लिए स्पेशली केक मंगवाए हैं आज, बहुत स्पेशल वाला, देर आगे कितना अंधेरा है, कोई नहीं है, हम लोग रखते हैं, रात का समय है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, देखो कितना अंधेरा है गाइस, ये देखो ना क्या चल रहा है, भैया हैप्पी बर्थडे भैया, पहले मिले, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू भैया। अरे भैया के लिए हम लोग कितना दूर से, ए दीपांशु सब आ जाइए, आओ यार, क्या है भैया, अरे आपका इंतजार हम लोग, आप सो गए भैया, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, आज न्यू ईयर था ना, केक वेक नहीं आ पाया, आप कैसे कैसे आपको छोड़ दे भैया, अरे आपके लिए हम लोग, चलिए लाइट कहाँ चलेगा, लाइट आप सबको बुलाइए ना, थोड़ा जो है दोस्त को उठाइए थोड़ा, और गाइस इन्हीं भैया का बर्थडे है, एक बार भैया हाय कर दीजिए इस कैमरा में, हाय हाय, आपके लिए पूरा प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, केक की दुकान में भैया बहुत भीड़ था, केक आया भैया, केक लेके आया है, ऐसे कैसे आ जाएंगे इसी में सर, आओ बेटा, तो गाइस एकदम खलबली मच चुका है सब में, देखते हैं क्या होता है ना, भैया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, देख लो हम लोग के साथ एक सीनियर भैया भी है, भैया हाय कर दो, हाय गाइस, अरे क्या बातचीत है, लाइट किचन है, एक जूनियर है, एक दीपांशु है, तो गाइस हम लोग को भैया का नाम नहीं, एक्चुअली कंफर्म नहीं थे क्या नाम था, तो हम लोग ने लिखवाया है हैप्पी बर्थडे भैया, तो सबके लिए हो गया, देखो चलिए भैया, मतलब आप तो फाइनली अभी देखो हम लोग डाल चुके हैं, उधर ऐसा कर लेगा, यहाँ ना इधर जले जलाइए ना, और गाइस हम लोग मेस में ही भैया के सब देखो साथी हैं, सब संगी साथी देख लो भैया के हैं, तो भैया आपको कैसा लगा सरप्राइज, अच्छा लगा ना, चलिए और कुछ बोलिएगा अपने बर्थडे पे, आप एक साल बड़े हो गए हैं, सब आप लोगों को धन्यवाद भैया, अच्छा बोलते हो भैया, बोलिए कुछ बोलिए, ये भैया हम लोग को चिकन देते हैं, 2 पीस कम देते हैं, नहीं नहीं देते हैं वो हॉस्टल में समझ लो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है सबको, चलिए चलिए भैया फूकिए, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, खाइए ज्यादा खाइए भैया, शर्माइए नहीं,
अब भैया को हम लोग खिला दो पहले। तो अच्छा से मानस काट दो अच्छा से। वो ज्यादा केक वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन भैया का बर्थडे है, रुके थोड़ा सा खिलाएंगे, उसके बाद लगा दूंगा हल्का हल्का थोड़ा सा भैया। एकदम एकदम और लगाओ ना, थोड़ा बर्बाद हो गए। नहाना पड़ जाएगा, छोड़ दो। तो गाइस हम लोगों ने भैया को ज्यादा केक नहीं लगाया, रात का टाइम है, लेकिन इतना तो बनता है, है। भैया के दोस्त लोग नहीं लगाएंगे ऐसा, तुम ना इंसाफी हो जाएगा साला। खिलाइए लगाइए तो रगड़ दीजिए। बर्थडे यहाँ पे मनते हुए अब लीजिए सब। कैसा लगा दीवान साहब? बहुत मजा, टेस्ट केक का जो टेस्ट है ना वो मस्त फाड़ू है भाई, बहुत बढ़िया है। और इनटू 100 हो गया क्योंकि हम लोगों ने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सबको तो ना था उतरा ले लीजिए, आइए ना, आइए ना, काट के लीजिए सब। हर रोज तो भैया लोग खिलाते हैं हमको, आज हमारा फर्स्ट था। और हम लोग को टाइम कम मिला, नहीं तो और ज्यादा सरप्राइज करते। एक्चुअली हम लोग को दोपहर में पता चला और हम लोग कहीं चले गए थे, न्यू ईयर का दिन था इसीलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। डेफिनेटली अच्छा लगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छे करेंगे। कोई अपने अपने हैं यहाँ पे तो कोई अपना है ही नहीं। और हम लोग अभी साउथ में है, चेन्नई में, तो हम लोग सब जो है मैक्सिमम यूपी बिहार वाले। ठीक है, तो गाइस बाहर में एक अपना अपनापन होना, जैसे भैया लोग भी यूपी बिहार की तरफ के हैं, हम लोग चेन्नई में इतने दूर जो हम लोग हैं, तो एक गाइडेंस बना रहता है। खाना खाने ही आए तो मन लगा रहता है कि भैया हैं तो कोई नहीं, सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ में रहते हैं हमेशा। तो अच्छा, मनीष भाई भैया के सबसे फेवरेट है, सब लोग मेरे लिए फेवरेट है भैया, दूर दूर तक खाली मनीष भाई का ही नाम होता है। हम लोग का याद नहीं आ रहा भैया को, नहीं 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 सब है, हम उखा लिया था, हमको अच्छा लगा। ऊपर से चॉकलेट देता है, अभी आप नहीं खाए, आधा खाइए, अब इतना आप खा जाइए भाई, खा लीजिए, खा लीजिए आप लोग, खा लीजिए भैया। तो गाइस फाइनली बर्थडे हम लोग का मन चुका। अच्छा अच्छा हम लोग चल जाते हैं, आप लोग आराम से खाइएगा। सुनिए एक लास्ट ले लेते हैं रिकॉर्ड में, तो भैया आपको कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया लगा भैया, फिर से हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही जीते रहे, हंसते रहे, सबको खिलाते पिलाते रहे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चिकन देते रहे ऐसे ही, और दूर से आए हुए बच्चों का ख्याल रखते रहे, यहाँ अपना पन का एहसास दिलाते रहे, एकदम मजा देते रहे बस। जो बच्चे यूपी बिहार से उतने दूर आते हैं यहाँ पे आके भैया लोगों का गाइडेंस मिलता है, तो ये बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा लगता है। और भी काफी भैया सारे हैं, सबका सपोर्ट हम लोग को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो भैया चलिए इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल। आज बहुत अच्छा दिन, 1 जनवरी का आपका बर्थडे है तो बहुत अच्छी बात है, चलिए मिलते हैं, चलिए भैया, बाय बाय, चलिए बाय बाय, ठीक है भैया, गुड नाइट, गुड नाइट। आ जाए अंकित इसी के साथ। तो गाइस देखो कितना अंधेरा है सामने, रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, ठीक है भैया, बाय बाय। तो गाइस हम लोग बर्थडे मना के निकल चुके हैं, अभी बर्थडे मना के चलिए, आप लोग कभी आएगा तो बताना जरूर, हम लोग आएगा तो हम लोग खुद बुलाएंगे आपको, मेरा ही रहा आपको बुलाएंगे, हम लोग इस बार सबको बुलाएंगे भैया, तो बार मिल लीजिए है ना। चलिए तो भैया का बर्थडे फाइनली हम लोग बना लिए हैं, तो बोल दीजिए, बहुत लोग बोले आप अपने बारे में कुछ बोलना। मैं अपने दोस्तों के लिए बोलना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया सरप्राइज है ये मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है, अपनापन है और क्या, इतने दूर आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे मिलके भैया लोग से। Okay. भैया तो ये है, हम लोग का ही बच्चा है अभी नहीं, बच्चा काफी भैया को काफी एक्सपीरियंस है और हार्ड वर्किंग है, सुबह से शाम तक काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करते हैं, मेहनत करके इतना दूर अपना घर परिवार छोड़ के काफी दूर है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। सही बात, कम से कम भैया के लिए एक लाइक, हां एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है भैया, सोइए कर दीजिए, चलिए कर दिए, टाटा बाय बाय, चलिए भैया सोइए मजे में, मिलते हैं कल। फाइनली भैया का जो है बर्थडे हम लोग मना लिया, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 जनवरी हमने पहले भी बहुत साल मनाया है, बट ये 1 जनवरी जो था हमारे लिए खास करके बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल सकता, नहीं मिल और सकता YouTube पे ऐसा वीडियो हमको नहीं लगता पब्लिश हुआ होगा, हुआ भी होगा तो एकदम जो रियल था ना चीज, गाइस आप लोग के सामने हम लोग हवा अलग चीज है, और ये बर्थडे भाई ये बहुत अलग था, मतलब और गाइस ये हम लोग सोचे भी नहीं थे अंकित वीडियो बनाएंगे, वीडियो का कोई सीन नहीं था, कोई सीन वो हम लोग सोचे रिकॉर्ड करते थे याद रखने के लिए, बट दिमाग में आ गया चलो आप लोग, भैया लोग भी बोले कि यूट्यूब पे डाल देने से वो 10 साल बाद भी वो वीडियो बेसिकली एक मैसेज था कि आप लोग के में जो बच्चे हॉस्टल में हैं, इस वीडियो में जितना कुछ है सब एकदम रियल एक्सपीरियंस है, और टोटल एकदम जो बोलता है ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे एकदम, मतलब जो बोल ही नहीं सकता, वर्ड ही नहीं है। हाँ, और वो भी एकदम वो था जेन्युइन रिएक्शन था। और देखो ये दीपांशु आ साथ में आना, कुछ बोल जरा, क्या लगा तुमको, क्या बोला? बहुत ही अच्छा लगा, तेज बोलो थोड़ा, लोगों के साथ इमोशन शेयर करके भैया का बर्थडे मना के, ऐसे हम सबका बर्थडे मनाते रहेंगे, आपका भी मनाते रहेंगे,
न्यू ईयर है, सबके सब एंजॉय करो बस। आप लोग हमसे सबसे बेस्ट क्या दिखा रहे, सबसे बेस्ट न्यू ईयर हमारा रहा है, यादगार रहा है। अच्छा वो सबसे पता, अभी एक चीज बताए भैया, जब लास्ट में बुलाए ना, अभी सब चले गया तो भैया बुलाए, अब बुलाया अब ऐसे अपने इमोशनल पकड़ के भैया थैंक यू भैया, मतलब हम वो आज से पहले ऐसा बर्थडे नहीं मिला तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसा एहसास भी आज से पहले नहीं था। क्यों मतलब सही देना चाहते थे ना कि जो लोग जो भी बच्चे हैं हॉस्टल में कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में सबका रिस्पेक्ट करो, चाहे वो काम करने वाले हैं। अपने एक चीज सुनो, अपने दोस्तों का मनाओ ना मनाओ, लेकिन जो ऐसे वर्कर्स हैं या आपको मेस में हैं या कुछ ऐसे थोड़ा सा ये हैं, उनका जरूर मना। जो आपको खाना खिलाते हैं, मतलब जो इतना कुछ करते हैं जो डेली उनको उनको दिल से गाइस अच्छा लगता है, करो रिस्पेक्ट दो सबको दो, चाहे वो एक काम। तो आज का हम लोग का 2023 का एक अच्छा काम करके हम लोग शुरुआत हुआ, छोटा हाँ शुरुआत किया एक छोटे और एक अच्छे शुरुआत की है, और प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग कि ये 2023 होगा और हर बच्चे करेंगे हम लोग, आप 2023 हम लोग के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग अच्छों काम से स्वागत। चलो मिलते हैं फिर, अभी रूम में चलते हैं, हो गया ना। तो फाइनली गाइस हम लोग भैया का बर्थडे मना करके अभी जस्ट रूम में एंटर किए हैं और हम लोग वीडियो का भी एंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और आज बता नहीं सकते कितना अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इतना दूर हमने मतलब अपनों के साथ लगता है, उनके साथ कभी भी मिलते हैं मेस के टाइम में तो ऐसा लगता है कि किसी अपनों के साथ मिले हैं, अच्छा लगता है। आप सब भी रिस्पेक्ट दो, चाहे वो एक काम करने वाला वर्कर्स हो या फिर कोई सीनियर अथॉरिटी हो, बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट दो और सेलिब्रेट करो। ऐसे हर कॉलेज में ऐसे लोग होते हैं, हर जगह बच्चे होते हैं, हर जगह कुछ, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर से दूर आते हैं, इतने दूर आते हैं और वो अपना वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनका रिवॉर्ड मिलना तो उनको बनता है। और न्यू ईयर था आज, और सबसे अच्छी बात थी कि 1 जनवरी को भैया का बर्थडे था, तो ये भी एक बहुत अच्छा दिन था। हम लोग का साल भी अच्छा स्टार्ट हुआ, उनका भी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, थोड़ा काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि फैमिली से दूर थे वो, तो उनको ये चीज़ का मतलब यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा रात को, अक्सर नहीं होता है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन फिर भी ये प्यार है उनका और अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भैया के लिए एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में सभी जगह भेजना, दोस्तों को परिवार को हर जगह भेजो और खैर वो लोग भी मोटिवेट हो और ऐसा कुछ करें। तो इसी के साथ ऐसे ही लोगों से मिलते रहो, प्यार बांटते रहो और ऐसे ही बढ़ता है तो बांटते रहो। इसी के साथ मिलता हूँ एक नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।